कोजागरी पूजा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। ये पर्व मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। दृग पंचांग के मुताबिक इस साल 16 अक्टूबर को कोजागरी पूजा है। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करने पर साधक को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही कोजागरी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण भी करती हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से माँ अपने भक्तों को धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। आइए जानते हैं इस साल कोजागरी पूजा की सही डेट, मुहूर्त और पूजा विधि। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर होगा और 17 अक्टूबर 2024 को 4:55 पर इसकी समाप्ति होगी। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूजा मनाई जाएगी। इस दिन कोजागरी पूजा का निशित काल मुहूर्त रात 11:42 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा। वही चंद्रोदय का समय 5:05 पर हो रहा है। ऐसे में कोजागरी पूजा का मुहूर्त लगने के बाद भी आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, कारण चंद्रोदय इसका मुहूर्त लगने से पहले ही हो जाएगा। अब आते हैं कोजागरी पूजा की विधि क्या है। कोजागरी पूजा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन ले। इसके बाद तांबे के लोटे में लाल फूल, जल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को फल, लाल फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत रोली और खीर का भोग लगाएं। माता रानी को लौंग, इलायची, एक सुपारी और बताशा चढ़ाएं। इसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें और मंत्रों का जाप करें और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। शाम को चंद्रोदय के बाद जल अर्घ दें और चंद्रदेव की भी पूजा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।